सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सभी पांडवों में से कौन सा पांडव था जो द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करता था। महाभारत में द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह 5 पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन सहदेव और नकुल से हुआ था। सभी पांडवों में से द्रौपदी अगर किसी पांडव को प्रेम करती थी सबसे अधिक तो वो थे अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने ही द्रौपदी को जीता था। लेकिन अर्जुन अपनी दूसरी पत्नी सुभद्रा के साथ ज़्यादा खुश थे, क्योंकि द्रौपदी के ऊपर अर्जुन का एकाधिकार नहीं था, द्रौपदी के ऊपर अन्य 4 पांडवों का भी अधिकार था। इसलिए वो अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा के साथ प्रेम व्यवहार में ज़्यादा व्यस्त रहते थे और इस बात से अक्सर द्रौपदी को कष्ट होता था। दूसरा अगर कोई पांडव है जो द्रौपदी को सबसे अधिक प्रेम करता था तो वो था पांडुपुत्र भीम। देखिए, युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। दूसरे दो जो पांडव थे छोटे, सहदेव और नकुल, वो दोनों को अपने भाइयों का अनुसरण ही करना होता था। तो बाकी रहे भीम। भीम ही ऐसे थे जो द्रौपदी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते थे और हर बात पे, हर समय पे भीम ने ही द्रौपदी का साथ दिया था। लेकिन इस बात का पता द्रौपदी को बहुत देर से चला कि भीम उनको इतना प्रेम करते हैं। कुछ उदाहरण है महाभारत में जिससे हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि भीम कितना प्रेम करते थे द्रौपदी को। भीम द्रौपदी के लिए कुबेर के उद्यान से, यानी कुबेर के बाग से दिव्य सुगंध वाले फूल लेकर आए थे जिसका रास्ता काटना लगभग नामुमकिन था। भीम ने द्रौपदी के लिए मत्स्य वंश के राजा कीचक का वध किया था। कीचक ने द्रौपदी के साथ सिर्फ दुर्व्यवहार किया था, उसके बदले में भीम ने उसके प्राण ले लिए थे। वनवास के समय जब घना जंगल होता था, घने जंगल में जब सभी पांडव द्रौपदी के साथ चलते थे तो भीम उनको अपनी दोनों भुजाओं पे ऐसे उठाकर चलते थे जिससे द्रौपदी को कष्ट ना हो, इतना प्रेम करते थे भीम द्रौपदी को। चीरहरण के बाद भीम ही थे जिन्होंने 100 कौरवों के अंत का वचन द्रौपदी को दिया था। अज्ञातवास के समय जब द्रौपदी रानी सुदेशना की दासी बनी तो इससे सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा दुख भीम को ही हुआ था। महाभारत के 14वें दिन दुशासन की छाती चीरकर उससे रक्त निकालकर भीम ने द्रौपदी को दिया था ताकि वो उसके केश धो सके और बाद में बांध सके। भीम ही थे जिसके कारण 15 साल के बाद द्रौपदी अपने बाल बांधने में, उसका जो वचन था वो उन्होंने पूरा किया था और द्रौपदी ने फिर से अपने बाल बांधे थे 15 साल के बाद। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भीम ही थे जो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे द्रौपदी को, और द्रौपदी प्रेम करती थी अर्जुन को, लेकिन अर्जुन प्रेम व्यवहार में ज़्यादा व्यस्त है अपनी दूसरी रानियों के साथ, क्योंकि अर्जुन को ये पसंद नहीं था कि उसके अलावा द्रौपदी के ऊपर किसी और का अधिकार। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।